हरे कृष्णा, आज मैं आपको रफल स्टिच बताऊंगी। इसको क्रोकोडाइल स्टिच भी कहते हैं। ये हमारा होता है इस तरह। ये किसी भी लहंगे में, किसी में इस तरह उठाव देने के लिए इस तरह बनाया जाता है। ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, मैंने माता रानी का लहंगा बना रखा है। ये जितना आसान, जितना देखने में सुंदर है, उतना ही बस बनाने में आसान है। इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आज हम ये बनाना सीखेंगे और ये लहंगे में, शॉल में बहुत सुंदर लगता है। शुरू करेंगे। ये देखिए, ये मैंने लिया है, जो ये क्रोकोडाइल स्टिच है, इसको हम बनाते हैं चेन में जो 3 से भाग दी जा सकती है। मतलब कोई भी नंबर जो 3 से भाग दिया जा सकता है, उस नंबर की हम चेन लेंगे। जैसे 27, 30, 33, कितने भी की हम चेन ले सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ सिखाने के लिए मैंने 27 चेन बना ली है और हर चेन के ऊपर डबल क्रोशिया कर लिया है। ये हमारा बेस के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अब मैं अपना रफल स्टिच स्टार्ट करूंगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सेकंड रो बना रही हूं। सबसे पहले मैं 2 चेन लूंगी इस तरह से। इसके बाद मैं 2 चेन लेके, 2 चेन मैंने लिया है जो मेरा एज अ डबल क्रोशिया होगा। उसके बाद 2 चेन लिया है जो मुझे लेना है। यहां नीचे से 2 फंदे छोड़कर तीसरे के अंदर मैं डालूंगी और यहां पे मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशिया 1 चेन के अंदर। इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया 1 चेन के अंदर। इसके बाद फिर मैं 2 चेन बनाऊंगी, बन लूंगी। अब यहां नीचे से 2 फंदे छोड़कर, यहां नीचे से 2 फंदे छोड़कर इस तरह 1 और 2 में काउंट करके तीसरे के अंदर एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है। फिर मैं 2 चेन लूंगी, उसके बाद बल लेके यहां नीचे से 2 छोड़कर तीसरे के अंदर मैं इस तरह 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर मैं 2 चेन बनाऊंगी, यहां से 2 चेन, तीसरे के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा किस तरह से चल रहा है। पहले मैंने सिंगल डबल क्रोशिया लिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया 1 के अंदर, फिर 2 चेन, फिर सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरह मैं सारी उसके अंदर कर लूंगी। रीड कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसको टर्न करूंगी, चेन बनाऊंगी और इसको टर्न करूंगी तरह से। अब यहां पे बल लेके जो मेरा पहला 2 डबल क्रोशिया है, इसके अंदर देखिए, मैं इसके अंदर जो हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट किए थे, इसमें पहले अंदर से निकाल के इस तरह मेरे को 5 बनाने हैं अपने डबल क्रोशिया। पांच बनाने के अब मैं चेन बनाऊंगी, अपना वर्क इस तरफ करूंगी इधर, और जो मेरा ये दूसरा रफल है, इसको इस तरह पकड़ के इधर से इसको लेके इसके अंदर भी 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सिर्फ आपको इसकी पोजीशन देखनी है कि ये किस तरफ होना है, अदरवाइज ये बनाने में बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें डबल क्रोशिया करने है और कुछ नहीं करना। ये देखिए, ये इस तरह से आएगा, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद जो मैंने सिंगल क्रोशिया किया था, इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लूंगी। स्लिप स्टिच इसके अंदर बिना बल लिए मैंने इसके अंदर डाला, यहां से इसको निकाला और इस तरह से बाहर निकाल दिया। ये मेरा हो गया स्लिप स्टिच, ठीक है। अब फिर मैं बल लूंगी, जो मेरा ये है, इसको देखिए, नीचे से जो मेरा ये 2 है, 2 में से पहले इसको 1 को लेके नीचे से, अब इसको मैंने हाफ करके ऐसे फोल्ड कर लिया। अब इसके नीचे से निकाल के
अपनी 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। बल लिया, जो मेरे 2 डबल क्रोशिया उसमें से पहले वाले डबल क्रोशिया को लिया, इसको फोल्ड कर लिया, इसके नीचे से अपने हुक को निकाल के धागे को ऊपर लूंगी और 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पांच बना के एक चेन बनाऊंगी, फिर अपने वर्क को पलट दूंगी। देखिए ये हाफ है ना, अब इस वर्क को नीचे करके यहां जो मेरा दूसरा है इसको मैं इस तरह ऊपर उठा लूंगी और फिर यहां से बल लेके इसके अंदर से नीचे से, देखिए यहां से मेरा नीचे से ऊपर आया है, इसमें से निकाल के अब मैं 5 इस तरफ बना लूंगी। ये देखिए, अब जो मेरा सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर डाल के एक स्लिप स्टिच कर लूंगी। जो मेरा डिजाइन है इस तरह से चलता है, जो हम रफल बनाते हैं वो यू बनाते हैं, पर जो ये मेरा डिजाइन है वो इस तरह से चलता है, नीचे बेस से ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब फिर से मैं बल लूंगी, जो मेरे डबल क्रोशिया है इसको यहां नीचे से ऊपर उठाऊंगी, अपने वर्क को हाफ कर लूंगी इस तरह से और 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये 5 बन गए। अब इसके बाद मैं एक चेन लूंगी, फिर उसके बाद अपने वर्क को इधर नीचे करके जो मेरा दूसरा है उसको ऊपर उठा लूंगी, बल लूंगी और इसके नीचे से ऊपर डाल के, नीचे से ऊपर डाल के इस तरह इधर 5 बना लूंगी। अभी देखिए जो मेरा सिंगल है उसके अंदर से डाल के बाहर निकाल, ये जॉइन हो गया है, ये देखिए इस तरह से आएगा। मेरा लास्ट रह गया है, सिर्फ इसमें एक बार टेक्निक देखनी है वरना ये बहुत आसान है बनाने में। चेन बनाऊंगी, अब इसके बाद बन लेके अपने वर्क को इधर हाफ कर लूंगी। ये देखिए पहले ये जो मेरा यू इस तरह से ऊपर बन रहा है, अब ये यू नीचे हो जाएगा, नीचे होके जो दूसरी तरफ का है इसको मैं ऊपर खींच लूंगी इस तरह से। ये निकाल लिया, ये बना के अब जो मेरा सिंगल क्रोशिया जो मैंने 2 चेन ली थी उसके अंदर इसे जॉइन कर दूंगी। ये देखिए ये जॉइन हो गया है, ये मेरा इस तरह दिखेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट रो स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट रो के लिए पहले मैं 2 चेन बनाऊंगी, 2 चेन बनाऊंगी। अब इसके अंदर जो हमारा मेन टास्क है वो क्या होता है, अगर आप इसको स्ट्रेट रखना चाहते हैं ठीक है, तो जो मेरा ये मिडिल है अब इसके अंदर मुझे देखना होता है जो मेरी नेक्स्ट आए वो इन दोनों के बीच में यू आए, और जो मेरी ये है जो बीच के खुले हुए हैं जगह वहां पे मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। ठीक है, अब यहां बल लेके जो ये है इसके अंदर मैं करूंगी सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर 2 चेन लूंगी और जो मेरा सिंगल क्रोशिया था जहां पे वहां पे मैं करूंगी डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। अब इसमें मुझे ये काउंट नहीं करना कि मेरे को नीचे कितने छोड़ने हैं, बस इसमें अब मैं फिर 2 चेन लूंगी, जो मेरा यहां बीच में है ये नेक्स्ट इसके अंदर मैं बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशिया।
फिर मैं दो चेन लूंगी और जो मेरा पहले मैंने जहां सिंगल क्रोशिया बनाया था वहां मैं बनाऊंगी दो डबल क्रोशिया। फिर दो चेन लूंगी, अब जो मैंने अगला बनाया था यहां मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशिया, फिर मैं दो चेन लूंगी और जहां पहले मेरा सिंगल क्रोशिया था वहां मैं बनाऊंगी अब दो डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर दो चेन लूंगी, जहां मेरा ये है इधर मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया, अब फिर दो चेन लेके यहां पे जो लास्ट है मेरा जॉइनिंग का इधर भी मैं सिंगल क्रोशिया सिंगल डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब ये आके इस तरह से लाइन आएगी, अब इसको मैं दो चेन बनाती हूं, जो मेरा डबल क्रोशिया यहां से इसको मैं जॉइन कर रही हूं, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक सिंगल क्रोशिया बना रही हूं। अब मैंने बल लिया, जो मेरा यहाँ डबल क्रोशिया दो बनाए हैं मैंने, इसके अंदर से लेके अब मैं पांच डबल क्रोशिया फिर बनाऊंगी। पांच बनाने के बाद एक चेन बनाऊंगी, वर्क को अपने को नीचे करूंगी और यहां बल लेके जो मेरा दूसरा है दूसरा डबल क्रोशिया उसको मैं इस तरह से ऊपर ले लूंगी और इसके अंदर से इस तरह से निकाल के इसको लूंगी। अब यहां पे भी मैं डबल पांच क्रोशिया बना लूंगी, और जो मेरा अगला सिंगल क्रोशिया है वहां पे मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी, इसको जॉइन कर दूंगी। ये देखिए अब ये मेरा इस तरह आ रहा है दोनों के बीच में इस तरह से। ये जब मैं सारा बना लूंगी तो ये बहुत सुंदर लगता है, ये बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये मैंने माता का लहंगा बनाया है इसी तरह से। इसमें मैंने दो रंग का इस्तेमाल किया है, लाल और सफेद का। आप चाहें तो किसी भी उससे बना सकते हैं, अगर आप सिंगल कलर में चाहे सिंगल में बना सकते हैं, डबल में चाहे डबल में बना सकते हैं। और ये इस तरह से लहरियां आती हैं, फ्लिक्स आती हैं, बहुत प्यारा लगता है। आई होप आपको ये स्टाइल अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।